यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश यादव पर सांपों का जहर निकालकर उसे रेव पार्टी में पहुंचाने का संगीन आरोप लगता है। ये केस पिछले साल नवंबर में ही दर्ज हुआ था, लेकिन लैब में जहर की जांच चल रही थी और एल्विश यादव अब तक बचते रहे थे। अब पुलिस के हाथ सबूत लगा तो पहले एल्विश को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और फिर आज गिरफ्तारी कर ली गई। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से सनसनी मचाने वाले एल्विश यादव की रातें अब 14 दिनों तक जेल में कटेंगी। जहर के खेल में फंस गए एल्विश यादव। कोबरा कांड में एल्विश हुए गिरफ्तार। रेव पार्टी में सांप का विष पहुंचाया। कितनों ने नशा से कितना कमाया। सोशल मीडिया में सनसनी की तरह तेज रफ्तार से ऊपर चढ़े थे एल्विश यादव, लेकिन अब सलाखों के पीछे हैं। न्यायिक हिरासत में पुलिस पूछ रही है, बताओ सांपों का कितना जहर बेचा। एल्विश सोशल मीडिया पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट में देना होगा। एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सांपों का जहर बेचने का आरोप अगर सिद्ध होता है तो सालों जेल काटेंगे एल्विश यादव। एल्विश यादव की कुंडली की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले एल्विश क्यों भेजे गए जेल, पूरा मामला समझ लीजिए। एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 कोतवाली में मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस मामले में कुछ सपेरों और अन्य लोगों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इस मामले में आज एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने बुलाया था और लंबी पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है और जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और जहां से कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने पिछले साल नवंबर में सांप का जहर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पीपल फॉर एनिमल संस्था ने आरोप लगाया है कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है और वीडियो बनाए जाते हैं। इनके आधार पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने वन विभाग के साथ सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल पर छापेमारी की थी। मौके पर रविनाथ, नारायण, जयकरण, राहुल और टीजू नाथ पकड़े गए। छापामारी की कार्यवाही के दौरान पकड़े गए लोगों के पास से 5 कोबरा सांप, 1 घोड़ा पछाड़, 1 अजगर और 2 मुहा सांप और सांप का जहर भी बरामद हुआ था। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इन सांपों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित बताया गया था। जो लोग पकड़े गए थे उन्हीं से पूछताछ के आधार पर ही इस मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आया था और पुलिस ने एल्विश के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी थी। एल्विश यादव की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत हुई है। 3 नवंबर 2023 को सांपों के जहर बेचने और रेप पार्टी के आरोप में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आज नोएडा पुलिस को जानकारी थी कि एल्विश यादव नोएडा आने वाला है, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल को सैंपल भेजे थे। एफएसएल रिपोर्ट में कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया है। इस प्रजाति का सांप काफी खतरनाक होता है और इसके काटने से हर साल बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। इस मामले में एल्विश यादव समेत सपेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अपनी हरियाणवी बोली और खास अंदाज के कारण एल्विश युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर एल्विश लगता है कानून भूलने लगे। 1972 का वन्य जीव कानून कोई साधारण कानून नहीं है, लेकिन एल्विश और सांपों के जहर के खेल में शामिल उनके साथी शायद ये समझ नहीं पाए। नतीजा है कि एल्विश के जो फॉलोअर्स अब तक उनके गाने और एक्टिंग देखते थे, अब एल्विश को जेल जाते देख रहे हैं। आपके भी जहन में सवाल होगा कि आखिर कौन है एल्विश यादव, तो चलिए इसकी डिटेल आपको बता देते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में जन्मे एल्विश यादव अपने व्लॉग्स और स्ट्रीमिंग्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने फैन मीटअप के लिए भी फेमस हैं। एल्विश अपने माता पिता राम अवतार सिंह यादव और मां सुषमा यादव के साथ गुरुग्राम में ही रहते हैं। एक बड़ी बहन कोमल यादव भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। अच्छी कमाई, ब्रांड वैल्यू, चमकता नाम, सब एक झटके में मटिया मेट होता दिख रहा है। यहाँ आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एल्विश यादव इससे पहले आशिका यादव पर वीडियो बनाने को लेकर विवादों में आए थे।
वहीं उन पर बॉडी शेमिंग, साइबर बुलिंग का भी आरोप लगा है। आशिका यादव ने एल्विश को कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। बिग बॉस OTT 2 के दौरान एल्विश का अविनाश से जमकर झगड़ा हुआ था। एल्विश यूट्यूबर ध्रुव राठी से भी भिड़ चुके हैं। एल्विश ने यूट्यूबर अरमान मलिक की पत्नियों पर भी कमेंट किया था, इससे विवादों में आए थे। एल्विश का नाम गमला चोरी में भी आ चुका है, इसका वीडियो वायरल हुआ था। उन पर कैमरामैन को धमकाने का भी आरोप है। और सबसे ताजा उदाहरण है ये मारपीट का वीडियो, जिसमें एल्विश यादव फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारते हैं और एक यूट्यूबर का कछूमर निकाल देते हैं। हालांकि बाद में ये मामला सुलझ गया, लेकिन दाग तो लग ही गया। एल्विश यादव के दो यूट्यूब चैनल हैं। एल्विश ने 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया था और तब से फेमस होते गए। यूट्यूब पर 1,45,00,000 सब्सक्राइबर हैं। एल्विश यादव ब्लॉग्स के नाम से दूसरे यूट्यूब चैनल पर 75.1 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर एल्विश यादव के 1,60,00,000 फॉलोअर्स हैं। एल्विश सेलेब्स की रोस्टिंग वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। ब्लॉगिंग के अलावा एल्विश यादव कपड़ों के ब्रांड सिस्टम क्लोथिंग के भी मालिक है। एल्विश करोड़ों के मालिक बताए जाते हैं। एल्विश के पास हरियाणा के गुरुग्राम में 14 करोड़ की कीमत का 4 मंजिला आलीशान घर है। तमाम लग्जरी कारों के मालिक हैं। एल्विश ने दुबई में भी करोड़ों का घर खरीदा है। एल्विश ने अपने दुबई के घर का होम टूर भी कराया था, लेकिन अब खुद जेल टूर पर है, जहां सांपों से जहर निकालने और उन्हें रेव पार्टियों में बेचने का आरोप है। सफलता की सीढ़ियों पर फिसलन बहुत होती है, एल्विश जैसे बड़े यूट्यूबर ये भी नहीं समझ पाए।